रुख करांगे हथियारों की प्रदर्शनी के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने वड्डा बयान दिता है कि पहला फिल्मों च वैब सीरीज जिहड़े हथियारों की प्रदर्शनी हुंदी है उसनू बंद करन दा सरकार काम करे। छोटे बच्चों खिलाफ जिहड़े परचे दर्ज किए गए हैं उसनू लैके भी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह के वल्लों निखेधी की गई है। पंजाब की सरकार सिखां दे अंदर डर का माहौल पैदा करना चाहती है। पंजाब की सरकार सिखां दे नाल धक्का कर रही है। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार वड्डा बयान दे रहे हैं। परम भी रौल खेसे कबर से जानकारी दे रहे हैं। परम, जथेदार साहब के बयान को किस तरह लैबोरेट करने की कोशिश करिए? देखो कृष्ण, एक तो बहुत मनभागी गल हैगी है कि एक 10 साल के बच्चे से जी FIR हुई थी उसनू लैके सारे पासे पुलिस की जी किरकिरी है वो हो रही है, नाल सरकार की किरकिरी हो रही है, क्योंकि अमृतसर के कसू नंगल थाने के मामला दर्ज होया। हूँ बच्चा जोड़ा है वो 18 साल का होकर चंडीगढ़ के पढ़ाई कर रहा है, यानी कि 8 साल पुरानी उसकी तस्वीर थी। सो उस बाद ही यानी हरप्रीत सिंह जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने एक हुक्मनामा जारी करदिया सरकार की भी निखेधी की। उन्होंने कहा कि सिखां दे विच डर दा माहौल जिहड़ा है वो पैदा करने की कोशिश की जाती है। देखो अगर असी टैक्निकल वे ना क्वेश्चन देखिए तो सब तो पहले परचे किन्हां दे बनते हैं, वैब सीरीज वाले दे बनते हैं जिन्हां दे हथियारों की नुमाइश जिहड़ी है वो शनियाम की जाती है, जिहड़े फिल्मां बनाउंदे ने उन्हां ते करनी चाहिए है। कोई बच्चा है किसी ने टॉय गन फड़ी है, किसी ने कोई है तस्वीर खिचा ली है, वो किन्ना वाल देख के इंस्पायर होंगे ने, फिल्म वाल देख के इंस्पायर होंगे ने, गाणियां वाल देख के इंस्पायर होंगे ने। पहला गाने बंद कराओ, वैब सीरीज बंद कराओ, फिल्मा बंद कराओ, फिर जाके तुसी लोकां वाल आओ। यह नहीं कि तुसी पिछे फैक्ट्रियां पहला चल रही ने जे कोई समान खरीदा तुसी उन्हां दे उत्ते परचे दर्ज कर रहे हो। सो कुल मिला के कितना कि एक चिंता का विषय जरूर हैगा, पर हुण कितना कि सरकार का इससे यूटर्न जरूर आ चुका है जथेदार साहब के बयान तो बाद। हालांकि उन्होंने 72 घंटे का समा दिता है सारियां नूं अपनियां फोटोज रिमूव करन दा कि जिन्ने भी तुहाडे सोशल मीडिया अकाउंट हैगे ने उन्हां तों अपनियां फोटोज जिहड़ियां ने हथियारां दी नुमाइश वालियां सारियां डिलीट कर दित्तियां जाण। पर यह यूटर्न क्यों लेना पैंदा कृष्ण? देखो तुहाडे कोल IAS अफसर बैठे ने, IPS बैठे ने, जिन्हां ने सारी सारी जिंदगी जिहड़ी है वह सरकारां नूं दित्ती हैगी, तुसीं क्यों नहीं सलाह उन्हां दी लैंदे, क्यों तुहाडा यूटर्न हुंदा है बाद दे विच? सो इत्थे कुछ ना कुछ असीं कह लईए जरूर सरकारां नूं भी सोचण की लोड़ हैगी है कि अजकल लुट्टां खोहां दीआं वारदातां इन्नियां वध गईआं ने, अमृतसर के हालात इदां दे हो गए ने, पंजाब के हालात इदां दे हो गए ने, हर एक नूं हथियार रखना लाजमी जरूर हैगा, लाइसेंसी हथियार रखना लाजमी जरूर हैगा, क्योंकि लोग तो घर वड़ के कृष्ण जिहड़ियां लुट्टां खोहां दीआं वारदातां दिन दिहाड़े देख रहे हैं, असीं खबरां कर रहे हैं, तुसीं पढ़ रहे हो, तुसीं देख रहे हो कि की हालात ने। सो कितना कितने सरकार नूं इस बार जरूर सोचण की लोड़ हैगी है, तो सरकार ने 72 घंटे का समा जिहड़ा जथेदार साहब के बयान तो बाद दे दिता है। जी शुक्रिया परम जानकारी दी सांझ पाउण वास्ते।